नमस्कार, मैं हशमत सईद, रियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम पिछले 3-4 दिनों से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, जो नाइट कर्फ्यू की वजह से आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने कुछ कारोबारी से बात की, उस वक्त कुछ दुकानदार शॉपकीपर से बात की, जो नाइट कर्फ्यू की वजह से उस पर क्या असर पड़ा। आज हम बात करेंगे कुछ ड्राइवर्स से, ख़ासतौर से ड्राइवर लोगों से हम बात करेंगे जो नाइट कर्फ्यू की वजह से उन लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ ड्राइवर भाई लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे जो कोरोना के वजह से या फिर नाइट कर्फ्यू की वजह से इनका जो ड्राइविंग का एक धंधा है, बिज़नेस है, जिससे उसका पेट चलता है, रोजी रोटी चलता है, उसे क्या असर पड़ता है। हम एक एक करके कुछ बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? भाई मोहम्मद यामीन। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के ओखला गांव के। आप उबेर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं? ऑटो ही चलाते हैं। तो नाइट कर्फ्यू की वजह से आपके ऑटो का जो आपको काम करते हैं चलाते हैं ऑटो, उसमें क्या असर पड़ रहा है? मेरा कहना यह है कि सरकार मूर्ख है और उससे बड़ी पब्लिक। क्यों कि नाइट का क्या मतलब है कर्फ्यू लगाने का? नाइट में तो घर पर आके सो जाती है पब्लिक। क्या कोरोना क्या वेंचर रात को यहाँ ड्यूटी देता आके? तो आपके हिसाब से रात में कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए था? नहीं लगना चाहिए। क्या फ़ायदा है इससे बताओ? उससे ये नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा आपके ड्राइवर वर्ग लोग जो है उस पर क्या असर पड़ रहा है? पब्लिक जो है ना वो डर गई, पब्लिक अपना घर छोड़ के चली गई, नौकरियाँ छूट गई लोगों की। क्या वजह है? पब्लिक जो है डर गई। ये गवर्नमेंट ने जो ऐलान करा है ना नाइट कर्फ्यू का, इसका क्या मतलब है? सिर्फ कर्फ्यू यहीं दिल्ली में ही है, सरकार तो में नहीं है। मैं सरकार को ही कह रहा हूँ जी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ही कह रहा हूँ कि अमित शाह जो है या जेपी नड्डा जो है बीजेपी का, ये बंगाल में धड़ाधड़ रैलियाँ कर रहे हैं, उधर योगी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, जबकि उसको कोरोना हो चुका है लेकिन क्वारंटाइन नहीं है। आप नाइट कर्फ्यू से आपके ड्राइविंग में कुछ असर पड़ रहा है? मतलब फर्क तो पड़ा है, दिन में भी फर्क पड़ा है, नाइट में तो है ही है फर्क। दिन में ही फर्क पड़ रहा है? दिन में भी फर्क पड़ गया। चलिए, जैसे कि आपने सुना, ये भाई का कहना है जो रात तो दूर की बात, दिन में भी हमारा जो ये ड्राइविंग का धंधा है इसमें असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग डर गए हैं, बाहर नहीं आना चाह रहे हैं या फिर जगह छोड़ के जा रहे हैं। इन भाई का क्या कहना है, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आबिद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही ओखले के रहने वाला हूँ भाई साहब। अच्छा, आपका क्या राय है इस बारे में? भाई साहब, राय तो मेरी ये है कि कर्फ्यू लग गया, सरकार का फैसला अच्छी बात है, लग गया, कोरोना ख़त्म हो किसी ना किसी तरह से। लेकिन सरकार हमारे बारे में भी तो सोचे, ड्राइवर के लिए। ओला एक कंपनी है, हम किराए की गाड़ी चलाते हैं, ऑटो भाड़े की गाड़ी है किराए की, 300-400 रुपये मालिक को देने पड़ते हैं और काम धंधे नहीं, रात में निकलते हैं, जैसे काम नहीं है दोपहर को, रात में निकल गए तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, तो हम करें तो करें क्या? समझ रहे हो ना भाई साहब, किराए की गाड़ी चलाने वाले हम ऑटो। और कुछ जैसे रात में नाइट शिफ्ट करते थे आप पहले? जी जी, मैं ज़्यादातर नाइट ही शिफ्ट करता था, अब मजबूरी में दिन में आना पड़ा क्योंकि रात में कोई सवारी है ही नहीं। नहीं, रात में तो बिल्कुल सवारी नहीं भाई साहब, सिर्फ पुलिस वाले, और वो डंडा मारते हैं, सीधा पूछते नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऑटो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी डंडे मारती है पुलिस कि नाइट कर्फ्यू तेरे को पता नहीं है, और पुलिस वाले अगर 150 दे दिए तो छूट गए, वरना तो गाड़ी बंद की धमकी, तो कहाँ से लाएंगे हम, भूखे मरेंगे, किराए की गाड़ी चलाने वाले हम। आपका कमाने का जरिया सिर्फ ऑटो ही है? सिर्फ ऑटो है भाई साहब। केजरीवाल ने बस भी तो फ्री, सिर्फ ऑटो है इसके लिए। केजरीवाल ने बस भी फ्री कर रखी है, बताओ कहाँ से जो 4 सवारी बैठती थी वो भी नहीं बैठ रही। ऑटो वालों को भी नहीं कुछ करना चाहिए ना सरकार को। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो सरकार ने जो बस फ्री कर दी है महिलाओं के लिए, उसका भी असर पड़ रहा है आप लोगों पे? सवारी नहीं बैठ रही है तो बस के इंतजार में रह गए, सब बस कह रहे फ्री जा रहे हैं, हम तो हम कहाँ जाएंगे जब फ्री जाएंगे। पहले लॉकडाउन से बहुत बुरा हाल था, फिर लगा दिया, अब हमारा होगा क्या, हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं के रहने वाले, दिल्ली कहाँ जाएंगे हम? कमाने का जितना जरिया था सारा जरिया बंद हो गया? सारा जरिया बंद हो गया भाई साहब, भुखमरी की हालत आ गए हैं। यानी पीछे एक साल पहले जो हालत थी वही हालत वापस आने वाला है? जी वापस क्या हो सकता है, इससे भी बदतर हो, क्योंकि अब सरकार देगी नहीं, एक दफा दे दिया, अब कौन देगा हमें खाने को? जी भाई साहब, हमारा ये कहना है कि दिल्ली सरकार हमारे बारे में भी सोचे, ऑटो वालों के बारे में। पहली बात, पहले तो ये था कहा जी ऑटो वाले हमारे सरकार बन गई तो ऑटो वाले गए बाहर चूल्हे में, बसें फ्री कर दी, बस तो ये कि गवर्नमेंट की, हमारा तो किराए की गाड़ी है भाई साहब। दिल्ली सरकार से हमारी दरख्वास्त है हमारे बारे में भी कुछ सोचे, किराए की गाड़ी है हमारी, हमारे लिए भी कुछ सोचे सरकार।
जैसे आपने सुना इन ऑटो वालों के दिल में काफ़ी गुस्सा और क्रोध में ये लोग हैं, क्योंकि इनका कहना है जो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, जिसका भी इफेक्ट हम पर पड़ रहा है, क्योंकि महिलाएं अब थोड़ा देर इंतज़ार करके बस में जाना पसंद करती है और ऑटो का वो लोग सहारा नहीं लेना चाहती है। ऐसे में ऑटो वालों का ये भी कहना है, जो इलेक्शन के समय में दिल्ली सरकार का ये कहना था जितने ऑटो वाले बरादरी हैं, ऑटो वाले भाई हैं, सब हमारे हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तब ऑटो वालों की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं या पूछ भी नहीं रहे हैं वो किस हाल में हैं, उनका खाने का ज़रिया कहाँ से आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पर इन लोगों ने, जैसा आपने सुना, काफ़ी क्रोध है इनके दिल में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया से ही हैं। इंडिया में कहाँ से? दिलशाद गार्डन। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए जो नाइट कर्फ्यू की वजह से आप लोगों के जो कारोबार है ड्राइविंग का, इसमें क्या असर पड़ रहा है? सर इसमें बहुत असर पड़ रहा है सर, जो रात में कर्फ्यू लगता है, एक तो सवारी नहीं मिलती सर कहीं पे भी, दूसरी बात काम धंधा बिल्कुल नहीं है, डप हो गया है। कितने बजे रात को आप लोगों को यहाँ से पुलिस वाले भगाते हैं? 9:30 बजे। 9:30-9:45 भगा देते हैं सबको। आप लोगों का कमाने का जरिया इसके अलावा वो कोई और है कि यही एक जरिया है? यही सर एक जरिया है, और कोई तो जरिया ही नहीं है। तो ऐसे में जब आप नाइट शिफ्ट कर नहीं पाते हैं तो कमाई भी कम हो रहा है, इसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या ही समस्या है सर, जब काम नहीं है तो क्या करेंगे बताइए, ना खाने को ना पीने को। दिहाड़ी लग रहा है हम लोगों को, गाड़ी का दिहाड़ी 400 रुपये करके लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, खाने का पैसे भी नहीं जुम रहा है, हम लोग को 10 बजे रूम भाग जाना पड़ता है। भाड़े का गाड़ी है? भाड़े का गाड़ी है सर। अच्छा अच्छा जी, किराए का गाड़ी है। आप बताइए क्या क्या समस्या आ रही है? भाई सब गरीब आदमी हम सब मर रहे हैं, और क्या दिक्कत हो रहा है, 9:30-9:30 भागने पड़ जाता है, किराए का गाड़ी चला रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है। और क्या आजकल दिन भर में कितने कमा ले रहे हो? क्या कमा रहे हो, 100-150 रुपये 200 रुपये हो रहा है, और रात में तो काम हो नहीं रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है, 100-200 रुपये देखो, 2-2 घंटे के लोग खड़े रहता है इंसान। सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है? कहाँ कुछ कर रही है भाई, कुछ नहीं कर रहा, करता तो आज ये दिक्कत थोड़ी होता। क्या मांग है आप लोग आपका सरकार से? मांग क्या भाई, थोड़ा जैसे चल रहा था पहले ऐसे करवा दे, ऐसे करवा दे, बस बस सही बात है। 12 बजे तो इंसान चल ही रहा था। देखिए मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किराए की रिक्शा है, 400 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ती है, तो नाइट कर्फ्यू की वजह से काम नहीं हो रहा है, अभी से सुबह तक अभी 200-250 रुपये का काम किया है और 9 बजे बंद हो जाता है, अब पुलिस वाला 9 बजे कहते हैं बोले जाओ अपने अपने घर जाओ, तो सरकार हमारे लिए कुछ सोचे कि हमारे लिए कुछ मतलब खाने पीने का या कुछ भी व्यवस्था करे कि हम भी बच्चों को पाले। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अगर 10 बजे तक हमारा ये ड्यूटी बंद हो जा रहा है तो सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा करे जो हमारा घर चल सके? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा करे सरकार जो हमारे भी बच्चे पले, नहीं तो ऐसे कैसे होगा, क्या कहता हम लोग का तो काम होता नहीं है। तो सवारी है? हाँ सवारी है नहीं, अगर हम कहीं लेके भी जाते हैं तो पुलिस वाला हमें रोक देते, चालान कर देता, गाड़ी बंद कर देते हैं। अच्छा, ये कोरोना जो अभी फिर से बढ़ रहा है इसको लेकर दिन में सवारी में कोई दिक्कत आ रही है? दिन में बहुत दिक्कत है, जब से बढ़ी है कोरोना, कोरोना हल्ला करा है मीडिया वालों ने, सबने हल्ला करा है, तो सवारी कम आ रहे हैं? सवारी कम आ रहे हैं, पब्लिक कम आ रही है, पब्लिक कम आ रही है, सवारी है नहीं, सवारी है नहीं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं, कोई सवारी पूछता नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं है। तो आपने सुना इन लोगों से, जो इन लोगों का कहना है जो कोरोना की वजह से जो पहले सवारी नॉर्मल दिनों में आते थे वो भी नहीं आ रहे, क्योंकि हर इंसान के मन में एक भय बैठा हुआ है जो कहीं अगर उस गाड़ी में बैठते हैं हमें कोरोना हो जाए ना हो जाए, क्योंकि दूसरे सवारी उसमें बैठते हैं। और इनका यह भी कहना है अगर रात 10 बजे हमें रोड पर चलने का आदेश नहीं दिया जा रहा है तो सरकार हमारे लिए कुछ ऐसा करे कि हमारा घर बार चल सके, क्योंकि हमारे बीवी बाल बच्चे हमारे घर हैं, उनके भी ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खाना खुराक चाहिए होगा, और वो कमाने का हमारा जो ज़रिया है वो ज़रिया अगर बंद हो जाता है तो सरकार को चाहिए हमारे लिए कुछ दूसरा ज़रिया वो करे। तो आपने देखा जो इन लोगों ने क्या क्या समस्याएं बताई, ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए और भी कुछ हर तरह की खबरें देखने के लिए आप रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमें यूट्यूब पर।